गुड आफ्टरनून जैसी कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? हम एकदम मस्त। और ये घर जा रहे हैं और बस ये देखिए दोनों ने मास्क पहन लिया है एज यूजुअल, क्योंकि तबीयत खराब है। अभी तो सब लोग जॉब पे वापस मास्क पहनना शुरू ही कर दिया है, क्योंकि सब बीमार, और बीमार कैसे ना भी हो, ये देखिए वेदर अब यहाँ का। चलिए थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स बाहर का व्यू, आप थोड़ा सा बारिश बारिश बारिश, बस बता रही है बारिश कब जाने का नाम लेगा। बहुत खराब एटमॉस्फेयर है और ठंड तो बहुत ज्यादा है। पता नहीं विंडी का बोल रहे थे कि अभी आफ्टरनून से विंडी शुरू होगी कल सुबह तक, पता नहीं देखते अभी कैसा रहता है। तो उस दिन भी स्नो का बोल रहे थे और स्नो नहीं हुआ था, फिर काफी जगह पे हो गया था। चनक के फ्रेंड के साथ हमने बात की थी ना, तो बोस्टन न्यू जर्सी उस तरफ तो बहुत, मतलब उस तरफ ज़्यादा हो चुका है स्नो और वैसा सब, इधर अभी नहीं हुआ है तो अच्छा है, शांति है। तो बारिश हो रही है उसका क्या? हाँ बारिश तो चलेगा, चलो थोड़ा बहुत इट्स ओके, पर स्नो नहीं होना चाहिए। तो बस घर जा रहे हैं और आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी फ्रेंड्स, बहुत ख़राब, क्योंकि बस चालू ही है अभी सर्दी उधरस सब कुछ हो चुका है। और रात को तो मुझे ठंड भी बहुत ठंड लग रही थी, तो कल रात को भी मैं हुडी स्वेटर ब्लैंकेट सब कुछ पहन के ही सोई थी। तो बस यही चल रहा है अभी, तो देखते हैं अभी घर जाते हैं, फिर नाश्ता कुछ करेंगे और थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि आराम करना पड़ेगा अदरवाइज़ मुझे बुखार आ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे जब थाक ज़्यादा लग जाता है ना, मेरा फीवर तुरंत आ जाता है, इसलिए मौका यस। और कोई तो इतना ज़्यादा चमक रहे हैं अब तो के तो बस घर जा रहे हैं और कुछ नहीं, यही रहा आज का दिन। सुबह से जॉब पर ही थे, अभी घर जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया आज एक घंटा लेट हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ एक्चुअली आज मेरा जो क्या बोलते हैं, हाँ स्टाफ आज कम थे, तो उसके वजह से काम का लोड थोड़ा बढ़ गया तो लेट हो गया। सुबह जब गई तब पता चला कि आज इसने कॉल आउट कर दिया है, तब भी लगा चलो एक तो ऐसे भी तबीयत हाँ एक तो ऐसे भी तबीयत खराब ही थी, उस पर वापस ये नया, तब इसे दिमाग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया था इसलिए हो गया। बस कोई बात यही है जॉब की बातें सब, अभी क्या करें। और देखिए सर कितना अच्छा व्यू है, काफी अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ हम है। हमारा नजारा देखिए, हमें नींद आ रही है। चलिए तो फ्रेश घर जाकर मिलते हैं, कुछ घर जाके थोड़ा फ्रेश हो गए तब जाके शांति होगी। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स ट्रैफिक कमी सामने के साइड, तो जब ये बारिश ये सब होता है ना तब ऐसे ट्रैफिक शुरू ही हो जाता है। घर आ गए फ्रेंड्स और फ्रेश होकर पीछे हमारा चा नाश्ता बन रहा है और ये हाँ वो कॉफी राइट वाले हाँ पीछे करते हैं, पीछे खाना चल रहा है, खाना देख रहे थे हम एटलीस्ट। चलिए देख के तो मन मना है। हाँ चलिए अच्छा अच्छा खा नहीं सकते पर अच्छा अच्छा देख तो सकते हैं। हाँ जा रहा था बड़ी मुश्किल किसी को ही बारिश ने यार परेशान कर दिया। दो दिन दो तीन दिन से बहुत बाहर ही नहीं निकलने दिया। काले भी ऊंचे यार, काले तो बस मैंने तो सब पहन लिया, तो अभी अभी मुझे लग रहा है मुझे दूसरा देखो ना, चार भी नहीं बजे और क्या हालत कर दी है। मुझे लग रहा है मुझे शायद ब्लैंकेट पहनना ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ठंड लगने लगी है फ्रेंड्स, लग रहा है फीवर आएगा, इसलिए जनक ने बोला है कि तू आज आराम ही कर, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं अभी आराम से लेटती हूँ।
मना किया ऐसा चांस कहाँ मिलता है यो। नहीं नहीं बस मैं देखिए छोले तो हो गए हैं। ओ सॉरी रह गए बोलना, आज हमारे डिनर में बन रहा है छोले भटूरे। छोले छोले कुलचे। हाँ अभी रोटी को कुलचे समझ के खा लेंगे हम। वो तो भावला है कुल कथा करा गया आपने घर के ना महाराज के। हाँ भावला हो। हाँ महाराज लोग बोलते हैं ऐसा के भावला ही ऐसा, तो बस भावला के खा लेंगे। एवं क्यों के भावला हो अभी सच्ची में गाय लेके थोड़ा कोई दान करे। चलो नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है कि चलो गाय तो आप दान कर भी सकते हो, पैसा बोलते हैं कि गाय तो आप दान करोगे पर उसके नहीं होती है ना, है ना। है रही गाय तो दान थी जाए पर गाय ने खावा माटे तो चारा माटे तो तुम्हारे पशु कहीं आपको पड़े ने। हाँ इसलिए बोलते हैं कि आप दान तो करते हो पर उसके पीछे का उसको खिलाएगा कौन फिर, तो वो भी सोचना पड़ता है ना, तो वो भी देना चाहिए। ऐसा सब होता है, ऐसा सब सुना है, अभी इतना तो नॉलेज है नहीं पर ऐसा सब सुना है कैसा होता है। तो बस देखते हैं, हम भी जब लास्ट टाइम इंडिया गए थे तब हमने पूजा सब करवाई थी, ऐसा सब करवाना चाहिए यू नो, उससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है दिमाग को, फिर घर में भी पॉजिटिविटी रहती है। क्योंकि हम जो भी बोले ये धूप ये सब करने का मतलब ही क्या है, उसका सब रीज़न होता ही है मन प्रफुल्लित। हाँ वो मन प्रफुल्लित करता है आपका और घर का एटमॉस्फेयर खुशनुमा रखता है, और जहाँ घर में खुशियाँ होगी ना वहाँ सब अच्छा होगा फ्रेंड्स। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हम तो बोलते हैं ओ आज तो कोई कुछ लेकर आए हे ओ स्टारबक्स। इनको बहुत मिलता है सब कुछ इनको पता नहीं कोई फ्रेंड होंगे वो गए होंगे तो फ्रेंड ने उनके लिए भी ले आए स्टारबक्स की कॉफी। तो मजे है भाई इनके तो कर लेने के। हाँ नहीं वो उनके फ्रेंड अच्छे हैं, वो काफी टाइम सब लाते रहते हैं उनके लिए अच्छा है। मेरी भी इच्छा है वो एक देखते हैं समर में जाएंगे तब कुछ ट्राई करेंगे। ड्रैगन फ्रूट जूस नेक्स्ट समर में हम पिएंगे ड्रैगन फ्रूट। ओके पक्का श्योर डन लॉक किया जाए। यस मेरी तरफ से यस। देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा सा कुछ करेंगे नेक्स्ट समर में, अभी तक थोड़ा सा सोचा है पर ज्यादा नहीं सोचने का, फिर हमारा जो है ना प्लान फ्लॉप बहुत हो जाता है। यस इसलिए कुछ नहीं, बस सोचा है तो सोच के रखते हैं नेक्स्ट समर में देखेंगे। चलिए हमारा चाय नाश्ता हमारा ये क्या बोलते हैं तापदान रेडी हो चुका है, ताबड़तोड़ सब। यस खाना पीना बताओ मर्चा लेने बैठा ना। नहीं रात का माटे काड़ी में खाना। अच्छा मुझे लगा चाय के साथ मर्चा वो माय लॉर्ड। हां अभी फाफड़ा नहीं है ना फाफड़ा हां टीवी में भी वही दिखा रहा है। ओ क्या यार वाओ इंडिया में तो मजा आ रहा था, संडे आते ही फाफड़ा खामण समोसा ढोकला पेटीश कॉर्न ढोकला पानी पूरी नाम खत्म ही नहीं होते रो के हंसो समझ नहीं आता। चलो गुड चाय कर लो। हाँ बस अभी कुछ नहीं, इज्जत से पार्ले जी बिस्किट खाएंगे खमन ढोकला का भाव लाएंगे। हाँ भाव लाएंगे ये पार्ले जी के साथ अभी हम के पेटीज खा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप जब ये साइड पे आओ ना जो बिल्ली मोरा वल्स अपने यहाँ मल से कि बीजा मोला से नवसारी में मल रहे पेटीज, जब आप नवसारी डिस्ट्रिक्ट के साइड आओ ना तो आप पक्का ट्राई करिए यहाँ की पेटीज जो ग्रीन चटनी के साथ देते हैं वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो ऊपर के साइड नहीं मिलती, क्योंकि हम जब भरूच रहते थे मैंने कभी नहीं खाया, वो इस साइड ही मिलती है नवसारी साइड से आप आगे आओगे ना वहाँ ही मिलती है वो पेटीज। पक्का ट्राई कीजिएगा अगर आप उस साइड जाने वाले हो घूमने या कुछ भी हो तो ट्राई कीजिए, मस्त आती है उसके जैसी कहीं नहीं मिलती। तो चलिए हम भी भाव ला के अभी
लपेटते हैं मस्त का नाश्ता। देखती हूँ अभी, कल तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बनते तो है मतलब ऐसा होता है, मैंने छोटे छोटे बनाना शुरू किए, देखिए ये छोटे छोटे, क्योंकि बड़े करती हूँ ना तो ये इसके ऊपर से निकलता ही नहीं है, ये रोटला चिपक जाता है, पता नहीं कैसा लोट है। और ये देखिए ऐसे हुए, ऐसे हुए, पर सॉफ्ट है, बाद में सॉफ्ट हो जाएगी, तो देखती हूँ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि फूलते रही है वही प्रॉब्लम, ये मतलब तवी में प्रॉब्लम है, ये क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे, तो अभी मैं कल दूसरी पे भी ट्राई करूंगी, ऐसा मुझे लग रही है कि तवी में प्रॉब्लम, लोट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आता है ना वो लोट तो अच्छे से होगा, वो तो अच्छे से होता है, नहीं वो अलग होता है थोड़ा, कलर में भी अलग होता है, ये मुझे दिख भी रहा थोड़ा अलग सा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है शायद, पता नहीं अभी देखते हैं, रोटी बना रोटी बराबर बने बने, देखते हैं अभी कैसे होते हैं, थोड़े दिन ट्राई करती हूँ मैं, पर बनाऊंगी रोटला ही अभी, वो मैंने थान लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इतने छोटे छोटे लुए बना रही हूँ ताकि छोटे छोटे ही बने, ऐसी छोटी छोटी बने ना तो वो तुरंत निकल जाएगा इसके ऊपर से, तो अगर आप भी ऐसे मेरे जैसे ट्राई कर रहे हो और ना हो रहा हो तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, देखिए ये छोटा छोटा ऐसा, अभी आपको दिखाती हूँ मैं, चिपक जाएगा, ये देखिए ये छोटा किया है ना, छोटा करोगी ना तो हो जाएगी, ये देखिए अभी तीन चार किए हैं, थोड़े दिन देखती हूँ कैसा होता है उसके बाद, और मैं है ना इसके ऊपर चिपक ना जाए ना, इसलिए इसके ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा लोट डाल देती हूँ ताकि चिपके ना नीचे की साइड भी, टाइम लगता है इसमें ऑफकोर्स, क्योंकि छोटे छोटे ही करने पड़ते हैं, बड़े नहीं कर सकते, पर कुछ नहीं, मैं थोड़े से थोड़ा रोटला और थोड़ी रोटी ऐसे भी खा सकते हो, पर रोटी का प्रमाण थोड़ा कम हो जाएगा, तो ऐसे आप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा भी गेहूं को अवॉइड करना हो तो ऐसे ट्राई कर सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि टेस्ट टेस्ट ये वो सब, हाँ वो सब इसका टेस्ट है, पर हेल्थ के लिए पहले देखना पड़ता है, तो हेल्थ के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, अपना टेस्ट भी, तो देखते हैं कैसे होता है। ऐसे तो ये लोठी है ना बकवास है, पता नहीं कहाँ से, अभी जुआ तो यहाँ पे ही मतलब इंडिया से ही लाते होंगे ना, पता नहीं वो भी कहाँ से लाते हैं और किस किन के यहाँ की जुआ है ये, देखा छोटे छोटे कर सकते हो, बड़े को अवॉइड करो, छोटे छोटे पे करो, टाइम लगेगा पर अच्छा रहेगा। अभी जुआर मतलब चूल्हा नहीं है, वरना चूल्हे पे बैठ जाती मैं बाहर जाकर, पर लकड़ियाँ कहाँ से लाई वो सवाल है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, वापस छोटा सा कर दिया है मैंने, तो चलिए देखते हो, तीन चार हो गए हैं और थोड़े बहुत भी फूले तो थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, और कुछ नहीं, खाने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, अदरवाइज चलेगा, कड़क रहा तो कड़क, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी रोटला ही, थान लिया है बस। अभी चलिए तो फटाफट से बना लेती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ मेरे चार रोटला। चलिए फ्रेंड्स, तो शाम के बज चुके हैं 8 बज चुके हैं, उसको बोलते हैं रात के आठ। यस, और हमारी सब्जी रेडी है, तो वो रोटला और उसको बनाने में थोड़ा लेट हो गया, और ज़्यादा वीकनेस है बालक को, पता है ये बहुत जलता है यार, मेरे कोगड़ा किया सब कुछ किया पर इतना जलता है। आपको आराम की जरूरत है, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, आपको आराम की जरूरत है, इंडिया चली जाओ। हाँ,
आराम इंडिया में मिलता है भाईशा। कोई नहीं, चले जाओ चापली। चलिए तो अभी लंच नहीं, लंच कहाँ है यार, दिमाग भी पागल हो गया है। डिनर साथ में, रात में डिनर, अभी बौखला गया हूँ, भूख लगी है। यस तो चलो डिनर का टाइम हो गया है, सब रेडी हो गया है। आज तो हेल्दी फूड भी खाएंगे, सलाद भी बनाया है स्पेशल किसी ने। तो चलो आज का ब्लॉग भी हम यही पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं। अभी बारिश तो अभी भी शुरू ही है, अभी भी चल ही रही है, शुरू ही है नहीं बोल सकते, अभी भी चल रही है। हाँ पगला गया हूँ आज, है ना, पगला गया हूँ। अभी भी चल रही है, हाँ अभी भी चालू ही है, दौड़ रही है, चल भी नहीं रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। पता नहीं है यार, उनका दिमाग गया हुआ, गया हुआ क्या है। बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुम 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 शायद बाहर करवा के आए तो सब बुद्धि देकर आए, बुद्धि भी देकर आए, बुद्धि भी उधर ही देकर आए शायद। चलिए आज का ब्लॉग यही पे एंड करता है, कल मिलते हैं वापस कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नया करेंगे ट्राई। देखते हैं मस्त, ये संडे को तो उत्तरायण है फ्रेंड्स, तो पतंग चगाएंगे। यस कुछ नहीं चगाएंगे इधर तो नहीं, खाना खाएंगे। हाँ यहाँ पे अप्रैल मई में फंक्शन, हाँ इधर भी हाँ फंक्शन होता है, तो देखते हैं अगर तब जा पाए तो हम मस्त एंजॉय करेंगे उत्तरायण की, पतंग जगाएंगे और जलसा करेंगे, मजे मौजे मौज रोजे रोज करेंगे। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब भी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो बेल होता है ना उसको भी दबा मार दो ऐसे, तो मिलेंगे कल फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।